तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो है अभी तक पढ़ाई हो चुका है दोहरा निषेचन। ठीक है, और हम पढ़े हुए थे भ्रूण की संरचना। उसने बताया था कि जो भ्रूण की संरचना होती है, दो प्रकार का भ्रूण होता है। ठीक है, भ्रूण होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को कहा जाता है द्विबीजपत्री भ्रूण और एक को कहा जाता है एक बीजपत्री भ्रूण। तो बताया जैसे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो हम लोग चर्चा किए हुए थे। ठीक है, तो पढ़े थे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें एक तो भ्रूणीय अक्ष होता है। ठीक है, और भ्रूणीय अक्ष के अलावा वहां पर जो है दो बीजपत्र होते हैं, और जो हिस्सा भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र से ऊपर होता है उसको कहा जाता है एपिकाइटल, और जो नीचे होता है उसको कहा जाता है हाइपोकाइटल। ठीक है, एपिकाइटल और हाइपोकाइटल हम पढ़े हुए थे कि एपिकाइटल जो होता है, एपिकाइटल वहां पर जो उसका एकदम सिरा होता है उसको कहते हैं परांकुर, मतलब कि पुलोमल। और जो हाइपोकाटिल होता है उसका जो सिरा होता है उसको कहा जाता है मूलांकुर, मतलब कि रेडिकल। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। आज थोड़ा सा देख लेते हैं एक बीज पत्री। पढ़े थे कि दो तरह के बीज पत्र, दो तरह के भ्रूण हो सकते हैं, दो तरह के पौधे हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो सकता है एक बीज पत्री और एक हो सकता है द्विबीज पत्री। तो जो एक बीजपत्री होता है उसका संरचना कैसा होता है? जो एक बीजपत्री पौधा होता है अगर उसके संरचना का बात किया जाए, मतलब मोनोकॉट प्लांट का, तो उसका संरचना कुछ ऐसा होता है। एक बीजपत्री को अगर देखा जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो भाग है ये हो गया इसका बीज पत्र, एक ही बीज पत्र है इसमें। और दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो संरचना है ये हो गया इसका, ये हो गया इसका बीज पत्र, और ये हो गया इसका भ्रूणीय अक्ष। ये क्या हो गया? इसका भ्रूणीय अक्ष हो गया। ये भ्रूणीय अक्ष हो गया और ये इसका बीज पत्र हो गया। बीज पत्र कितना है? इसमें एक ही बीज पत्र है। और इसमें अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ये भाग जो है ये हो गया इसका बीज पत्र। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं एक बीज पत्र भ्रूण की संरचना। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनो कोटिलेडोनस प्लांट। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट प्लांट हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट प्लांट के बारे में बात किए थे कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें दो बीजपत्र होता है एक भ्रूणीय अक्ष, याद है? देखो बताया था ना कि ये भ्रूणीय अक्ष हो गया, है ना, इसमें ये बीज पत्र हो गया। कितना बीज पत्र दिखाई दे रहा है? दो बीज पत्र, दो बीज पत्र, और ये भ्रूणीय अक्ष है। और भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र से ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिकाटिल। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज एबव टू द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड, मतलब उसको एपिकाटिल कहते हैं, इज कॉल्ड एपिकाटिल। और ये जो हिस्सा है,
जो बीज पत्र के स्तर से नीचे है इसको कहते हैं हाइपोकाटिल। इसको क्या कहते हैं? हाइपोकाटिल। एपिकाटिल का जो ये हिस्सा है एकदम ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहा जाता है ब्रांकुर या प्लूमुल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रांकुर, या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लूमुल। और जो इसका एकदम नीचे वाला हाइपोकाटिल नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है मूलांकुर, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं, ठीक। तो ये था द्विबीजपत्री पौधा। और इसमें हम बताए थे कि जो प्रांकुर है, प्रांकुर इससे आगे चल के जो है तना का विकास होता है स्टेम का, और जो मूलांकुर है इससे आगे चल के जो है मूल का विकास होता है, रूट का विकास होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे, आज हम देख रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण जो होता है उसकी संरचना कैसे होती है। देखो इसका संरचना अगर देखा जाए, जैसे नाम ही है एक बीज पत्री, ये तो हो गया जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात, द्विबीजपत्री बारे में बात। अब हम लोग देखेंगे एक बीज पत्री है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक ही बीज पत्र है और ये भ्रूण, ये अक्ष है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक दूसरा भी निकलने का कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, मतलब इसमें मुख्य रूप से कितना बीज पत्र है? इसमें एक ही बीज पत्र है। और जो एक बीज पत्र होता है इस पौधे में उसको कहा जाता है एस्कुटेलम। ये जो एक है इसको क्या कहा जाता है? एस्कुटेलम, ठीक है, एस्कुटेलम। तो एस्कुटेलम क्या होता है? तो जो एक बीज पत्री पौधा होता है, एक बीज पत्री पौधा में एक ही बीज पत्र है, और वो जो एक बीज पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? एस्कुटेलम कहा जाता है। और ये हो गया इसका भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। देखो भ्रूण में दो ही चीज होता है ना, एक तो भ्रूणीय अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है? बीज पत्र होता है। अगर दो बीज पत्र है तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, और अगर एक बीज पत्र है उसको बोलते हैं एक बीज पत्र। तो ये कहलाता है स्कूटेल, ये हो गया भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा इस स्कुटेलम के स्तर से ऊपर का है इसको कहा जाता है एपिकाटिल। सेम है, इसके तरह सेम। इसमें भी क्या था कि भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र के स्तर से ऊपर का है उसको क्या कहते हैं? एपिकाटिल। और जो नीचे का है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोकाटिल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र, यह बीज पत्र है, बीज पत्र को ही एस्कुटेलम कहते हैं। जो हिस्सा एस्कुटेलम के स्तर से ऊपर का है ये हिस्सा इसको क्या कहते हैं? एपिकाटिल। क्या कहते हैं इसको? एपिकाटिल। और जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला, इसको कहते हैं हाइपोकाटिल। क्या कहते हैं इसको? हाइपोकाटिल। अब ये मान लो हो गया एपिकाटिल, तो एपिकाटिल मतलब ये हिस्सा हो गया, ये जहां खत्म होता है सो इसके ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो इसका सिरा है उसको कहते हैं प्रांकुर। जिस तरह यहाँ पर बोलते हैं प्रांकुर, इस तरह यहाँ भी जो एकदम ऊपर वाला ये है इसको क्या कहते हैं? प्रांकुर, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और जो इसका नीचे वाला सिरा है भ्रूणीय अक्ष का एकदम जो नीचे वाला, इस तरह से यहाँ पर था ना हाइपोकाटिल का जो एकदम नीचे वाला था उसको क्या बोले थे? मूलांकुर बोले थे। क्या बोले थे? मूलांकुर। वैसे यहाँ भी ये देखो, ये तो भाग हो गया एपिकाटिल और ये भाग कौन हो गया? हाइपोकाटिल। ये भाग हो गया, देखो ये नहीं, इसको बोलते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जानना है। ये जो भाग हो गया लिख देते हैं पूरा, ये जो भाग है जो भ्रूण जो इस बीज पत्र के स्तर से ऊपर का है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एपिकाटिल। और जो ये हिस्सा है जो इससे नीचे का है इसको क्या कहते हैं? हाइपोकाटिल। इसको क्या कहते हैं बोलो? क्या कहते हैं? हाइपोकाटिल। अब एपिकाटिल में अगर हम देखें तो एपिकाटिल का जो एकदम ऊपरी हिस्सा है उसको परांकुर कहेंगे,
वैसे ही जो हाइपोकार्टिल होता है उसका जो एकदम सीरा होता है उसको क्या कहते हैं, मूलांक, क्या कहते हैं उसको, मूलांक। तो यहाँ भी जो एकदम सीरा है इसका, इसको क्या कहेंगे बोलो, क्या कहेंगे, मूलांकुर कहेंगे, मूलांकुर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मूलांकुर को ही अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल, क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो परांकुर होता है इसके ऊपर एक कवर होता है, जो परांकुर है, ये जो परांकुर है इसके ऊपर क्या है, एक कवर है। ये जो कवर होता है इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, क्या कहते हैं इसको, कोलियोप्टाइल। और वैसे ही जो मूलांकुर है यहाँ पर भी एक कवर होता है और उस कवर को कहते हैं कोलियोराइजर। ये दो चीज ऐसा है जो इसमें नहीं होता है। ये क्या था, ये था द्विबीजपत्री भ्रूण, और ये क्या है, ये है एक बीजपत्री भ्रूण। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, जो डाइकॉट प्लांट होता है, जो द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो अभी हम लोग को पढ़ना था एक बीजपत्री के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि जो डाइकॉट प्लांट होता है, हर एक जो भ्रूण होता है, हम लोग भ्रूण के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक जो भ्रूण होता है उसमें दो हिस्सा होता है, एक होता है भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र। बीजपत्र अगर दो है तो उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, और अगर एक है तो उसको बोलते हैं एकबीजपत्री। यहाँ पर कितना है, दो है। इसमें बताया था कि भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीजपत्र के अस्तर से ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, एपिकार्टिल, और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोकार्टिल। एपिकार्टिल का जो एकदम ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, परांकुर। वैसे ही हाइपोकार्टिल का जो निचले हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, मूलांकुर। ठीक है, क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। देखो इसका नाम ही है एक बीजपत्री, मतलब कितना बीजपत्र है, एक ही बीजपत्र है। और वो जो एक बीजपत्र इसमें होता है उसका नाम होता है एस्कुटेलम। क्या नाम होता है, एस्कुटेलम। एस्कुटेलम किसमें पाया जाता है, एस्कुटेलम पाया जाता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं पाया जाता है, क्योंकि डाइकॉट में दो बीजपत्र होते हैं, जबकि इसमें एक ही बीजपत्र होता है। और उस बीजपत्र को क्या कहा जाता है, एस्कुटेलम कहा जाता है, एस्कुटेलम। और ये हो गया भ्रूणीय अक्ष, दो चीज तो होना है ना, एक तो भ्रूणीय अक्ष होना है और एक क्या होना है, ये होना है बीजपत्र। ठीक, तो ये भ्रूणीय अक्ष जो है, भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा इस एस्कुटेलम के अस्तर से ऊपर का है उसको बोलते हैं एपिकार्टिल, और जो हिस्सा इसके नीचे का है उसको बोलते हैं हाइपोकार्टिल। एपिकार्टिल जहां खत्म होता है उसको परांकुर, और हाइपोकार्टिल जहां खत्म होता है उसको मूलांकुर। परांकुर के ऊपर जो कवर है, जो एक कवर होता है जो परांकुर को ढक के रखता है, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं बोलो, कोलियोप्टाइल। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। ठीक है, COLEOPTIL। ठीक है, या इसी को हम परांकुर चोल भी कह सकते हैं। इसी को हम, क्या क्लास नहीं ले रहे हैं तो अभी क्या कर रहे हैं बताओ, क्लास ही ना ले रहे हैं, क्लास तो ले रहे हैं ना, लिख रहे, क्लास नहीं ले रहे बताओ, अभी क्लास नहीं ले रहे। देखो अभी क्लास ले रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, नहीं तो किताब लेकर बैठा करो, एनसीआर के बुक, नहीं तो अगर, हालांकि शायद क्लास में पढ़ा चुके थे तो नोट्स लेके बैठा करो। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम स्क्रीन शॉट लेते रहना। ठीक है, देखो तब तो कुल बाद में लिख लेना। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है, दो तीन पहले, हाँ दो तीन दिन पहले नहीं ले रहे थे, तो आप व्हाट्सएप से जानकारी से मिल ही गया होगा, जो लोग भी क्लास हम नहीं लिए हैं तो हम तो व्हाट्सएप से मैसेज कर ही दिए थे। ठीक, तो व्हाट्सएप से मैसेज मिल जाएगा अगर हम क्लास नहीं लेंगे तो। ठीक, तो कोलियोप्टाइल क्या है, तो परांकुर के ऊपर जो कवर पाया जाता है
उसको क्या कहा जाता है, पोलियोक्टाइल, या इसी को चूंकि प्राणपुर के ऊपर है इसलिए इसको प्राणपुर चोल भी हम कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं, प्राणपुर चोल। चोल मतलब क्या होता है, कवर, दिखाई नहीं दिया क्या, चोल मतलब क्या होता है, कवर। तो प्राणपुर, प्राणपुर के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं, प्राणपुर चोल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो मुलामपुर है इसके ऊपर जो कवर है इसको बोलते हैं मुलामपुर चोल या कोलियो राइजा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोलियो, कोलियो या फिर कोलियो भी कह सकते हैं, या कोलियो, कोलियो राइजा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दिखाई दे रहा है, कोलियो राइजा। ठीक है, कोलियो राइजा। तो क्या क्या देखे, बस इतनी ही सब बात है, इतना ही बात है इसमें। देख लो, इसको ईपी ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है देखो। देखो इसमें क्या क्या देखे, इसमें देखे अभी तक कि ये है एक बृहस्पति, इसको मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन होगा। चलिए, जब फोन क्यों नहीं उठाते हैं सर, हाँ कभी कभी फोन नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, कभी फोन मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है, जब फोन मेरे पास रहता है तो जरूर फोन उठा लेते हैं, लेकिन कभी कभी फोन मेरे पास नहीं रहता है तो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कुछ काम में थे इसीलिए नहीं कर पा रहे थे, फोन नहीं उठा पा रहे। अब क्लास होगा, ठीक है, नंबर नहीं सर दे दीजिए, नंबर कैसे नहीं है, मेरा नंबर लो सबके पास है। अच्छा ठीक है, दे देते हैं कुछ सर। देखो तो ये क्या है, देखो देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। देखो इसके बारे में पढ़ रहे थे, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, ध्यान से देखो क्या पढ़ रहे थे, कि देखो ये है एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस भ्रूण में एक ही बीजपत्र है, दो वाला पढ़ चुके थे उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण, ये है एक बीजपत्री भ्रूण। इसमें जो एक बीजपत्र है उसको क्या कहते हैं, स्कूटेलर बोलते रहो, साथ साथ जो नया नया शब्द मिलता है उसको साथ साथ में बोलते रहो, कि ये जो एक बीजपत्र मिलता है इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया भ्रूणीय अक्ष, दो ही चीज ना होता है भ्रूण में, एक तो बीज पत्र होता है और एक भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र के स्तर से ऊपर होता है उसको कहते हैं एपिकांडल, और भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीज पत्र के स्तर से नीचे होता है उसको कहते हैं हाइपोकांडल। जो एपिकांडल है, ठीक है, मतलब जो ये है ऊपरी हिस्सा, इसका जो एकदम सीरा है जहां खत्म होता है उसको क्या कहते हैं, प्रांगुल, सेम उसी की तरह, और जहां पर ये खत्म होता है उसको बोलते हैं मूलांगुल। थोड़ा सा प्रांगुल जो होता है, प्रांगुल के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं, कोलियोपटाइल, और वैसे ही यहाँ पर जो मूलांगुल है इसके ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ध्यान दो ये चीज जो था वो डाइकॉट में नहीं था, जब ऊपर से डाइकॉट प्लांट के बारे में, ठीक है, तो वहां पर नहीं है, मोनोकॉट में ही प्रांगुल और मूलांगुल के ऊपर कवर पाया जाता है। प्रांगपुर के ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं कोलियोपटाइल, और मुलामपुर के ऊपर जो कवर होता है बोलते हैं कोलियोराइजा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक नहीं मिला था, कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा। कोलियोपटाइल क्या है, तो प्रांगपुर जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, तना बनाएगा, और मुलामपुर जो आगे चल के क्या बनाएगा, मूल बनाएगा, रूट बनाएगा। तो इस प्रांगपुर के ऊपर जो कवर है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल, और मुलामपुर के ऊपर जो कवर है क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। चलो ठीक है, मेरे समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो प्रश्न लिखे हो तो अच्छा है, साफ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये था एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना, साफ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो अब जो है इसमें तो हम लोग जो है भ्रूण संरचना पढ़ लिए, एक बीजपत्री भी, और हम लोग पढ़ लिए द्विबीजपत्री भी। एक मिनट रुक जाओ, तो हम लोग पढ़ लिए एकबीजपत्री भी और हम लोग पढ़ लिए द्विबीजपत्री भी। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब देखो, अब लगभग चैप्टर मान लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब कुछ शब्द है जिसको हम लोग को जान लेना है, उसके साथ ही ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ शब्दों के बारे में, सब चीज पढ़ ली हम लोग,
ठीक है, भ्रूण कोष, भ्रूण, एक बीजपत्री, मोनोकॉट, डाइकॉट, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब आगे कुछ शब्द के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से शब्द होते हैं। देखो तो जैसे कि एल्बुमिनस एवं गैर एल्बुमिनस बीज, ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं बीज के प्रकार। देखो निषेचन के बाद क्या होता है, अगर हम बात करें तो निषेचन के बाद जितना भी पुष्प का भाग है सब गिर जाता है, केवल कौन बच जाता है, अंडाशय, और अंडाशय से बन जाता है फल, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसका क्या बन जाता है, बीज। बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर, तो वो बीज बन जाता है, और अंडाशय क्या बन जाता है, अंडाशय जो है वो फल बन जाता है। ठीक है, फिर पढ़े हुए थे कि जो बीज है वह दो प्रकार का हो सकता है। किसी किसी पौधा में क्या होता है कि कुछ भाग रह जाता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी, फिर देख लो। जैसे कि मान लो कि इसका हम बात करें फ्लावर का, ये हो गया वर्तिकाग, ये हो गया वर्तिका, ये क्या हो गया अंडाशय। ठीक है, यहाँ पर होता है बाह्य दल, क्या था ना, बाह्य दल होता है, और ये होता है बीजांड। अब जब निषेचन संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बीजांड बन जाएगा। बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, मतलब अंडाशय बन जाएगा, अंडाशय से क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, और जो बीजांड है उससे क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। किसी किसी पौधा में क्या होता है, मतलब किसी किसी फल में क्या होता है कि अंडाशय से फल बन जाता है, और बनने के बाद भी उसमें या तो ये भाग मतलब बाह्य दल, ये क्या है, बाह्य दल है सेपल, या तो बाह्य दल, या ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन, थैलेमस, क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन या जो ये या जो ये बाह्य दल है यह बचा रह जाता है, मतलब ये गिरता नहीं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। जैसे मान लो बैगन देखते हैं, बैगन देखते हो गए, बैगन सुना बनाते हैं, देखो ये होता है बैगन, ठीक है, पहचान रहे नहीं इसको, क्या देखो इसको बोलते हैं बैगन। अब ये जो बैगन है, बैगन, ये बैगन में जो ये फल बना दिख रहा है बैगन, ये जो बैगन है, ये जो फल है, ये फल बना हुआ है किसका, अंडाशय का, और ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, बाह्य दल है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है बाह्य दल सेपल। देखो इसमें बच गया, मतलब जरूरी नहीं है कि सभी भाग गिर जाएंगे, कुछ भाग बचे हुए भी हो सकते हैं। जैसे कि बैगन में देख लो, बैगन में अंडाशय भी रहता है और ये बाह्य दल, और ये बाह्य दल भी रह गया है ना, तो ये बचा हुआ रह गया, और ये जो है डंठल, डंठल तो इस तरह में तो बचा हुआ भी रह सकता है या फिर गिर भी सकता है। उसमें बात कर जाए सेब का, तो सेब में क्या होता है कि अंडाशय भी रह जाता है और जो पुष्पासन है ये भी रह जाता है, इसे आभासी फल कहते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो खेली से मैं लिखना होगा, और तो ये क्या है, ब्रिंजल, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, बैंगन। ये जो बैंगन है इसमें जो ये बात चीज है, नेट प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मैं नेट सही है, तो हाँ नेट ठीक है। देखो तो ये जो चीज है ये क्या है, बैगन है, और बैगन के ऊपर ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, बाह्य दल है, जो कि उसको ऊपर से ढके हुए। ठीक है, तो देखो अब बीज का प्रकार देखा जाए, तो बीज का प्रकार जो है, बीज जो है दो प्रकार का होता है, बीज होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन, एक होता है एल्ब्यूमिनस बीज, एक होता है एल्ब्यूमिनस बीज, और एक होता है गैर एल्बुमिनस बीज। एक क्या होता है, गैर एल्बुमिनस बीज, एक होता है एल्बुमिनस बीज और एक होता है गैर एल्बुमिनस बीज, दो प्रकार के बीज होते हैं एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस बीज क्या होता है, देखो बताया थे कि बीज के अंदर, मतलब बीजांड से जो बीज बना है, तो बीज के अंदर दो चीज है, क्या क्या है, भ्रूण है और भ्रूण कोष है। भ्रूण कोष की संरचना होती है थ्री है, क्योंकि उसका निर्माण त्रिसंलयन से हुआ है। तो भ्रूण कोष जो है वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। भ्रूण कोष जो है वह भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, और जो भ्रूण कोष होता है वह किसी किसी बीज में पूरा का पूरा
कंज्यूम कर ले जाता है, उपभोग कर ले जाता है भ्रूण के द्वारा। तो वैसा बीज जिसमें पूरे तरीके से उसको उपभोग कर लिया जाता है, वैसे बीज को कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है, क्या लिखोगे? वैसे बीज जिसमें भ्रूण कोष पूरी तरह से विकसित होते हुए भ्रूण के द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखो, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मटर, ठीक है, मूंगफली, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, गैर एल्बुमिनस बीज का, जिसमें पूरी तरह से उपभोग कर लिया गया। दूसरा बच्चा तुमको एल्बुमिनस बीज, इसी का उल्टा। अब बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? जिस बीज में भ्रूण कोष, जो कि भ्रूण को पोषण देने के लिए है, वो पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाएगा, मतलब बिल्कुल भी भ्रूण कोष बचेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे गैर एल्बुमिनस बीज, अंग्रेजी में बोल देंगे नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, ये बात। और जिस बीज में भ्रूण कोष बच जाएगा, मतलब पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाएगा, उसको बोलेंगे एल्बुमिनस बीज। जैसे कि इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा नारियल। नारियल हम बताए थे कि नारियल जो होता है उसमें दो तरह के भ्रूण कोष होता है। एक तो जो नारियल अंदर पानी होता है वो होता है उसका केंद्रकीय भ्रूण कोष, है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक जो उसके ऊपर जो वो सफेद होता है गरी, वो होता है कोशिकीय भ्रूण कोष। ठीक है, कुछ मतलब भ्रूण कोष के जो केंद्रक है वो डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर कोशिका नहीं बनता है, तो बन जाएगा केंद्रकीय भ्रूण कोष, और कुछ के ऊपर बन जाता है कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका बन जाता है, तो वो क्या कोशिकीय भ्रूण कोष। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो खैर नारियल जो है ये एल्बुमिनस बीज है। इसके अलावा हम बात कर लें तो गेहूं है, ठीक है, गेहूं हो गया, या फिर जो है अरंड होता है, कैस्टर, ठीक है, ये सब जो है एल्बुमिनस बीज में आते हैं। तो मतलब ये बीज प्रकार हुआ, दो प्रकार के बीज होते हैं, एक होता है एल्बुमिनस और एक होता है गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस बीज कौन है? तो जिस बीज में भ्रूण कोष शेष रह जाता है, जिस बीज में भ्रूण कोष शेष रह जाता है उसको कहते हैं एल्बुमिनस बीज, और जिस बीज में भ्रूण कोष पूरी तरह से उपभोग कर लिया जाता है उसको कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। और इसका उदाहरण अगर देखा जाए, और कुछ इसका मतलब शब्द देखा जाए, कुछ वर्ड्स को, तो सप्त फल एवं आभासी फल। ठीक है, एक होता है सप्त फल, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और एक होता है आभासी फल, या इसको मिथ्या फल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिथ्या फल, झूठा फल, मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठा, अंग्रेजी में बोल सकते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो हम बताए हैं अभी कि हम बताए हैं अभी कि जो अंडाशय होता है, इससे आगे चल के क्या बनता है? इससे आगे चल के फल बनता है, फ्रूट। और अंडाशय की जो भित्ति होती है, वो क्या बन जाता है? अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल के ऊपर की भित्ति बन जाती है, फल भित्ति, या इसी को पेरिकार्प कहते हैं। ठीक, अंडाशय के ऊपर भित्ति होता है ना जी, मान लो ये हो गया, ये अंडाशय है। ठीक है, ये मान लो अगर अंडाशय है तो इसके ऊपर ये भित्ति है ना, ये जो भित्ति है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है फल भित्ति, या इसी को बोल सकते हैं पेरिकार्प। अंडाशय से फल बन जाता है और अंडाशय के ऊपर जो भित्ति है उससे फल भित्ति बन जाता है, पेरिकार्प बन जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर बीजांड था, बीजांड, उससे क्या बन जाता है? उससे बन जाता है तुम्हारा बीज। ठीक है, अंडाशय से फल बन गया और बीजांड से बीज बन गया। किसी किसी पौधे में क्या होता है कि जब फल का निर्माण होता है तो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी फल निर्माण में हिस्सा लेते हैं। तो जिसने केवल अंडाशय से फल बनता है उसको बोलते हैं सत्य फल, और जिसने अंडाशय के अलावा अगर पुष्प कोई और भी भाग हिस्सा ले रहा है फल निर्माण में उसको कहते हैं आभासी फल। सत्य फल क्या है? ट्रू फ्रूट क्या है? तो वैसा फल जिसका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, अंडाशय के अलावा कोई भी भाग फल निर्माण में हिस्सा नहीं ले, उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। और जिस फल में, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो इसके एग्जाम्पल में अंगूर लिख सकते हैं, ठीक, संतरा लिख सकते हैं, ये।
और जिस फल में अंडाशय के अलावा अगर उसमें कोई और भी भाग हिस्सा ले रहा है, फल निर्माण कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? आभासी फल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेब, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। क्योंकि सेब में जो है, याद रखना कि जो ये अंडाशय है, इसके नीचे जो ये पुष्पासन होता है, पुष्पासन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थैलेमस। तो सेब में जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन के अलावा, सेब में जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन के अलावा अंडाशय भी फल निर्माण कर लेता है। मतलब अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी फल निर्माण में मदद करता है। तो अगर अंडाशय के अलावा कोई भी भाग फल निर्माण में हिस्सा ले रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? आभासी फल। और अगर केवल केवल अंडाशय से ही फलों का निर्माण हो रहा हो, उसे कहते हैं सत्य फल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सेब हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्या क्या देखिए, एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ रहे हैं। बीज देखिए दो प्रकार का, एल्युमिनस बीज और देखिए गैर एल्युमिनस बीज। जिस बीज में भ्रूणकोश शेष रह जाता है, उस बीज को कहते हैं एल्युमिनस बीज, नारियल गेहूं। जिस बीज में भ्रूणकोश शेष नहीं रह जाता है, पूरा का पूरा भ्रूणकोश भ्रूण के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है गैर एल्युमिनस बीज, मटर और मूंगफली। फिर देखिए कि फल दो प्रकार का, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, सत्य फल, मिथ्या फल। जिस फल का निर्माण केवल केवल अंडाशय से होता है, उसे कहा जाता है सत्य फल। और जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा अगर उसका कोई और भी भाग हिस्सा लेता है, उसको कहते हैं आभासी फल। चलो कुछ और शब्द देखते हैं। ठीक है, सत्य फल जिसका निर्माण केवल पुष्पासन से होता हो, असत्य फल, असत्य इसको अब असत्य फल बोलो या आभासी फल बोलो या मिथ्या फल बोलो, तो जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कोई और भी भाग अगर हिस्सा लेगा, तो उसको बोलेंगे आभासी फल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और शब्द जैसे कि परिभ्रूणकोश, परिभ्रूणकोश, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पेरियस्पर। ठीक है, पेरियस्पर। तो पेरियस्पर्म क्या होता है, परिभ्रूणकोश क्या होता है, पेरियस्पर्म क्या है? देखो, जो फल होता है, जो मतलब कि बीजांड होता है, बीजांड में बताए थे कि जो अंतःभित्ति है उससे घिरा हुआ कुछ ऊतक होता है, अंतःभित्ति से घिरा हुआ कुछ ऊतक होता है, उन ऊतकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बीजांड काय, न्यूक्लियस। याद है? देखो, ये होता है बीजांड, होता है ना, इसमें से ये होता है बीजांड, इसमें से इसको बोलते हैं बाहरी आवरण, निर्गुणी पता जो पढ़ रहा है सो पता होगा सबसे, इसको बोलते हैं बाह्य आवरण, इसको इसको बोलते हैं अंतः आवरण। और अंतः आवरण से घिरा हुआ जो ये जगह है, यहाँ पर जो उत्तक होते हैं, उन उत्तकों को क्या कहा जाता है? उन उत्तकों को कहा जाता है बीजांड काय, ठीक है, या फिर न्यूकेलस। ठीक है, अच्छा चलो देख, रेकमेंड करना तो एक कि बीजांड द्वारी शिरा की तरफ, बीजांड द्वारी शिरा की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं भ्रूण कोश में, उन्हें क्या कहते हैं? कमेंट करना, जरूर देख रहा है, कमेंट करना जरूर, शुरू से पूरा देखा हुआ है अगर, कि बीजांड का है जो सिरा है, देखो दो सिरा, बीजांड द्वारी सिरा, देखो दो सिरा होता है। सर रुक गया मेरा, क्यों रुक गया जी सर? पोष या कोष? पोष, पेरियस्पर्म है ना, रुक गया, नहीं रुकेगा, रिफ्रेश करो, चलने लगेगा। आशीष कुमार, ठीक है। तो बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय किसमें होता है? बीजांड काय या अंत आवरण, और ये चलिए बाह्य आवरण और ये अंत आवरण, और इसे जो घेरा हुआ उत्तक है, जिस उत्तक में भ्रूण कोश होता है, इसको भ्रूण कोश कहते हैं ना इंग्लिश से, जो भ्रूण कोश होता है, इस उत्तक को क्या कहते हैं? बीजांड काय या न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो सिरा है, इसको कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा, इसको कहते हैं विभागीय सिरा, इसको कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा, और इसको क्या कहते हैं? विभागीय शिरा कहते हैं। ठीक है, तो किसी किसी पुष्प में क्या होता है कि जो ये भ्रूण कोश, जो ये बीजांड काय है,
ये बीजांड काय भी शेष रह जाता है, अधिकांश में खत्म हो जाता है लेकिन कुछ कुछ में ये बीजांड काय भी शेष रह जाता है। जिनमें बीजांड काय अगर शेष रह जाए तो उसी को बाद में परिभ्रूण कोष कहा जाता है, उसी को बाद में क्या कहा जाता है, परिभ्रूण कोष। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको चुकंदर, ठीक है, और हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च देखिए, मिर्च 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 देखिए, मिर्च काली मिर्च होता है ना, काली मिर्च, तो काली मिर्च और चुकंदर इसमें परिभ्रूण कोष पेरिस्पर्म पाया जाता है। फिर सुन लो, पेरिस्पर्म का निर्माण किससे होता है, बीजांड काय से। जो बीजांड काय कोशिकाएं होती हैं, जो बीजांड काय कोशिकाएं होती हैं, तो किसी किसी में बोलो ना, अधिकांश में सब चीज खत्म हो जाता है, केवल अंडाशय बनता है, बचता है बीजांड, बचता है अंडाशय से फल बन जाता है, बीजांड से बीज बन जाता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज बचा रह जाता है, जैसे कि सेब में देख लो तो वहां पर तुमको जो पुष्पाशय है बचा रह जाता है, बैगन में देख लो तो जो बाह्य बल था वो बचा रह जाता है ना, यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजांड का बचा रह जा रहा है। तो बीजांड का शेष रह जाता है किसी किसी में, इसी को क्या कहते हैं, परिभ्रूण कोष कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चुकंदर, सॉरी मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चुकंदर और काली मिर्च। ठीक है, कुछ और शब्द देख लो, लास्ट तीन शब्द जो याद रहना चाहिए। पहला अनिषेक फलन, अनिषेक फलन अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थेनो कार्पी, दूसरे को बोलते हैं असंग जनन, असंग जनन अंग्रेजी में बोलते हैं एपो मिक्सिस। ठीक है, और तीसरा निकल जाए, तीसरा बहुपूर्णता, बहु ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉली इम्ब्रियोनी, तीन शब्द है। ठीक है, अनिषेक फलन, असंग जनन और बहुपूर्णता। क्या होता है देखो, सबसे पहले अनिषेक फलन क्या है, तो हम बोले हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ठीक, और हम बोले हैं कि निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो अंडाशय जो है फल में और बीजांड जो है बीज में विकसित हो जाता है। लेकिन किसी किसी पौधे में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, और वैसे जो फल है जिसमें बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, वैसे फलों को, उस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन। देखो नाम से देखो ना, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के अगर फल बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुमको, तो अंगूर हो जाएगा, केला हो जाएगा, अनिषेक फलन का उदाहरण। ठीक, अनिषेक फलन क्या है, तो अगर बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है, जैसे अंगूर केला इत्यादि। एक बात जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि जो भी पुष्प या जो भी फल अनिषेक फलन से उत्पन्न होंगे वो भी बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं, बीज रहित मतलब उसमें बीज नहीं पाए। तो प्राकृतिक रूप से जो अनिषेक फलन है वो केला में और अंगूर में पाया जाता है, इसलिए अंगूर और केला के अंदर तुमको जो है बीज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि छोटा छोटा दिखता है अंगूर और केला में, लेकिन उतना विकसित नहीं होता, जितना उतना विकसित नहीं होता, जितना विकसित जो है तुमको बीज देखने को मिल जाएगा, मान लो आम में है या लीची में है। ठीक है, उतना उस तरह का तुमको बीज जो है देखने को नहीं मिलेगा किसमें, अंगूर में और केला में, क्योंकि जो भी, जो कि ये बिना निषेचन के उत्पन्न हुए हैं, और जो भी फल बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
निषेक फलन कहते हैं उस प्रक्रिया को, और वो विचलित होते हैं। ऐसा आर्टिफिशियल जैसा हार्मोन बनाया जा रहा है जो कि मतलब बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न करवा दें, मतलब कि निषेक फलन को वो उत्प्रेरित करें ताकि उससे बीज रहित फल का निर्माण हो। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि बीज रहित जो है तरबूज, बीज रहित संतरा उत्पन्न होगा। ठीक, तो इस तरह तो मिलता भी है, इंडिया में कम मिलता है, बड़े बड़े शहरों में मिलता है, विदेशों में मिलता है, जहाँ पर बीज रहित तरबूज, बीज रहित पपीता, बीज रहित जो है संतरा देखने को मिलेगा। तो ये अनिषेक, अनिषेक असंग जनन। तो अगर बिना निषेचन के बीज बन जाए, बिना निषेचन के अगर फल बन जाए तो क्या कहते हैं, निषेक फलन। वैसे ही अगर बिना निषेचन के बीज बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, असंग जनन। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, तो घास और एस्ट्रेसिया। घास यहीं पर जाती है, तो एस्ट्रेसिया घास ये सब जो है उदाहरण हो जाएगा असंग जनन। बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है, असंगजन। बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक फलन, बिना निषेचन के बीज बनना असंगजन। अब इसमें लोग क्या पढ़ रहे थे कि निषेचन के बाद अंडाशय फल में एवं बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, लेकिन किसी किसी पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनिषेक फलन। और अगर बिना निषेचन के बीज बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। अब अनिषेक फलन मतलब जो भी फल बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं वे फल बीज रहित होते हैं। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका, अंगूर और केला। ठीक है, वैसे ही अगर हम सुना नहीं दे रहा, वैसे ही अगर हम बोले तो बिना निषेचन के अगर बीज बन जा रहा है, अगर बिना निषेचन के बीज बन जा रहा है, ये कितना कमेंट कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज सही नहीं है क्या जी, वैसे ही तो से शुरू में बोल रहे थे, कोई और दिक्कत बताओ तो एक बार। अब हो गया, खत्म ही कर रहे हैं, वीडियो खत्म कर रहे हैं, हो गया, ये पढ़ने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आवाज सही होगा क्या, आवाज प्रॉब्लम हो गया। चलो ठीक है सर, वही तो बोल रहे हैं, शुरू में बोलो से तो बोल रहे हैं, देखो कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो तो अनिषेक फलन क्या है, बिना निषेचन के फल बन जाना अनिषेक फलन है। जो भी फल अनिषेक फलन से उत्पन्न होंगे वे फल बीज रहित होंगे। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, अंगूर और केला हो जाएगा। वैसे ही जो भी बीज बिना निषेचन के उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं असंग जनन। उदाहरण कौन हो जाएगा, घास और एस्ट्रेसिया हो जाएगा। इसके संबंध में एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है जब पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर तो उसमें मिलेगा, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अगर बिना निषेचन के बच्चा पैदा हो जाए तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल बनना अनिषेक फलन, अंगूर केला। जो भी फल अनिषेक फलन से बनेंगे वो बीज रहित होंगे। बिना निषेचन के बीज बनना असंग जनन, उदाहरण में घास एस्ट्रेसिया। बिना निषेचन के बच्चा उत्पन्न हो जाना, जो मादा युग्मक है वही बच्चे में मतलब कि भ्रूण में चेंज हो जाता है, फिर भ्रूण से बच्चा बन जाता है। तो जब बिना निषेचन के ही बच्चा बन जाता है उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। किसमें होता है, तो सांप में होता है, कुछ सांपों में, रोटीफर्स में होता है, मधुमक्खियों में होता है, मधुमक्खी, कुछ किल्लियों में होता है, उनमें बिना निषेचन के ही बच्चा बन जाता है। लिख लेना सबूत मुटेंट चारों शब्द, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, असंग जनन, बहुभुंता। कम से कम एग्जांपल लिख लो, जैसे वीडियो खत्म होगा डेफिनेशन खुद से लिख लेना। ठीक है, अनिषेक फलन क्या है, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में विकसित हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है। जो भी यह प्राकृतिक रूप से अंगूर केला में पाया जाता है। ठीक है, जो भी फल अनिषेक फलन से उत्पन्न होंगे वो बीज रहित होंगे, उनमें बीज नहीं पाया जाएगा, है ना। बिना निषेचन के अंडाणु का भ्रूण में चेंज हो जाना, परिवर्तित हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। एग्जाम्पल में सांप, रोटीफर्स, मधुमक्खी इत्यादि। ठीक है, असंग जनन क्या है, तो बिना निषेचन के बीजाणु से बीज बन जाना असंग जनन कहलाता है। ठीक
ठीक है, बिना निषेचन के बीज बन जाना असंघ जनन कहलाता है। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, तो घास और एस्ट्रेसिया हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है, तो जैसे समझो जैसे कि संतरा है, संतरा या कोई भी खट्टा फल, ठीक है, संतरा हो गया या फिर मौसमी हो गया या फिर वो हो गया आंवला, आंवला जो भी खट्टा फल है उसमें अगर बीज को लो और उसके बीज को ऐसे खोलो, ठीक है, संतरा ही मान लो, संतरा का बीज लो और उसको खोलो, जब खोलोगे तो बीज के अंदर जो है वो 7-8 छोटे छोटे भ्रूण दिखेंगे। बीज के अंदर कौन होता है, भ्रूण होता है, हाँ मैंगो, तो मैंगो हो गया या कोई भी जो साइट्रस फ्रूट हो गया, या तो मैंगो हो गया या फिर कोई भी साइट्रस फ्रूट हो गया खट्टा फल, तो उसके अंदर अगर उसके बीज में हम देखेंगे तो बीज के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे हमको भ्रूण दिखाई देंगे। तो यह जो घटना है जिसमें बीज के अंदर अगर एक से ज्यादा भ्रूण है, जो कि हम लोग कितना भ्रूण चाहिए, एक ही भ्रूण चाहिए और एक ही भ्रूण होना चाहिए, जो निषेचन हुआ है, जो सत्य निषेचन हुआ है उससे कितना भ्रूण बना है, एक ही तो बना है, तो फिर अगर एक से ज्यादा भ्रूण हो जाए कैसे हो जाएगा, आगे बताते कैसे हो जाएगा, लेकिन अगर हो जाए तो इस घटना को बहुभ्रूणता। देखो स्पेलिंग ही ऑफ मतलब इसका शब्द ही बयां कर रहा है इसके बारे में, बहुभ्रूणता, बहु मतलब क्या हुआ, अनेक, बहुत, और भ्रूणता मतलब क्या हुआ, भ्रूण, इम्ब्रियो है ना, पोली इम्ब्रियो, पोली मतलब अनेक, इम्ब्रियो मतलब इम्ब्रियो, तो एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित है भ्रूण बीज के अंदर उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। अब ये बनता कैसे, ठीक है, बहुभ्रूणता कैसे हो जाता है, तो उसी से जो बीजांडकायी कोशिकाएं हैं, जो बीजांडकायी कोशिकाएं हैं, किसी किस्म क्या होता है, बीजांडकायी कोशिका जो होता है, बीजांडकाय क्या होता है पता है ना, बाह्य आवरण बीजांड में, फिर अंत आवरण, फिर उसके अंदर बीजांडकाय, जो बीजांडकाय होता है, फिर उसके अंदर भ्रूण कोष होता है, जो बीजांडकाय होता है उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण कर देती हैं, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मैंगो मतलब आम और सभी खट्टे फल, सभी खट्टे फल, खट्टे फल कौन से बोलते हैं, साइट्रस फ्रूट, ठीक है, साइट्रस फ्रूट खट्टे फल। तो ये सब बात है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में कोई भी बात ऐसा नहीं है जो नहीं बताएं, अगर शुरू से वीडियो को देखे थे मतलब जब से चैप्टर शुरू किए हैं तो अभी तक में जितना भी टॉपिक पढ़ना है एग्जाम में आता है सब बात हम बता चुके हैं, ठीक, इसको बेहतर होगा कि वीडियो को नोट्स अगर नहीं बनाए इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, और पीडीएफ भरोसा नहीं रहो, नहीं मांगो पीडीएफ वगैरह, मतलब होगा खुद नोट्स बनाओ, खुद से बनाए हुआ नोट्स हमेशा अच्छा होता है, खुद से बनाया हुआ नोट्स हमेशा अच्छा होता है, ठीक, खुद से बनाया हुआ नोट्स है वो हमेशा अच्छा होता है, इसलिए 8709727063, ठीक है, इसलिए बेहतर है कि खुद से नोट्स बनाओ। और अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मानव जनन, 8709727063, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट, देखो ये सब जो बातें हैं इसे कम इसे एग्जांपल अभी लिख लो, बाकी जो है इसमें बेहतर होगा कि जब मतलब वीडियो ऑफ हो जा रहा है तो फिर से इसको लिख लेना कि अनिषेक फलन क्या है, बिना निषेचन के फल बन जाना अनिषेक फलन, बिना निषेचन के बीज बन जाना असंघ जनन, बिना निषेचन के भ्रूण बन जाना अनिषेक जनन, ठीक है, और अगर बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित है उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल हो जाएगा आम और सभी खट्टे फल। तो वीडियो खत्म हुआ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, तो कोई भी टॉपिक जो अभी तक समझ में नहीं आया हो वो एक बार कमेंट कर दो, बता देते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि 2 दिन नहीं पढ़ाई हुआ, और 2 दिन में जो भी कुछ अगर पढ़े हो गए कोई अगर दिक्कत लगा होगा केमिस्ट्री में भी या फिर बायोलॉजी में तो फिर बोलो, उसको बताते हैं, 2 मिनट टाइम है, जल्दी बोलो, अगर कोई समस्या रह गया तो बोलो, तो वीडियो में ऑफ करते हैं। अगर कोई समस्या है इस चैप्टर में या फिर केमिस्ट्री में जो पढ़ाया है उसमें तो अभी बोलो, फिर हम लोग वीडियो ऑफ करेंगे और नेक्स्ट, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई कमेंट कर नहीं रहा है, जो लोग भी देखता है शुरू से वीडियो को देखा है अगर, और तो किसी भी टॉपिक में अगर,
स्टार्टिंग में क्या पढ़े? स्टार्टिंग में भ्रूण पढ़े हैं ना, स्टार्टिंग में हम बताएं, चलिए उसी के साफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अंगूर केला, इसका एग्जाम्पल घास एस्ट्रेसिया, आम और सभी खट्टे फल, और इसका सांप रोटीफर सब मधुमक्खी। ठीक है, अब देखो इसी में आज जो है स्टार्टिंग में पढ़े हैं एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में, मोनोकॉट इम्ब्रियो। बताया थे कि भ्रूण हो सकता है दो प्रकार का, या तो भ्रूण हो सकता है द्विबीजपत्री या हो सकता है एक बीजपत्री। ठीक है, बताया है कि अगर देखो भ्रूण में दो चीज होता है, ध्यान सुनो, भ्रूण में दो चीज होता है, एक तो होता है भ्रूणीय अक्ष, एक क्या होता है भ्रूणीय अक्ष, और दूसरा होता है बीजपत्र। ठीक है, अगर बीजपत्र दो है तो बोलते हैं उसको द्विबीजपत्री, और अगर एक है तो उसको बोलते हैं एकबीजपत्री। फिर हम लोग चर्चा किए पिछले क्लास में, हम पढ़ लिए थे डाइकोट प्लांट के बारे में। ठीक है, आज से पढ़ना था मोनोकॉट प्लांट, तो शुरू में वही बतलाए, ऐसे कुछ डाइकोट भी देख लो। तो डाइकोट में क्या होता है, तो ये हो गया मान लो इम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष, दो चीज होता है ना, भ्रूणीय अक्ष होता है और बीजपत्र होता है, तो ये हो गया मान लो भ्रूणीय अक्ष, और ये हो गया बीजपत्र। तो कितने बीजपत्र है, दो बीजपत्र है, इसको क्या बोलेंगे द्विबीजपत्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे द्विबीजपत्री। इसमें जो हिस्सा भ्रूणीय अक्ष का जो हिस्सा बीजपत्र के स्तर से ऊपर का है, ठीक है, ठीक है, जो जो हिस्सा भ्रूण अक्ष के स्तर से ऊपर का है इसको क्या कहते हैं, एपिकाटल, एपिकाटल, और जो नीचे का है ये बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं हाइपोकाटल। ठीक है, और एपिकाटल में ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं परांकोर, और जो एकदम निचली हिस्सा है इसको बोलते हैं मूलांकोर। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे, ये था डाइकोट प्लांट। फिर आज शुरू से पढ़े हैं मोनोकोर प्लांट के बारे में, ये पढ़ लिया था, फिर आज पढ़े हैं मोनोकोर प्लांट। और जो मोनोकोर प्लांट होता है उसमें हम बताए हैं कि जो मोनोकोट प्लांट होता है उसका संरचना अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें एक ही बीज पत्र होता है, देखो इसमें ये हो गया भ्रूणीय अक्ष और ये हो गया बीज पत्र, एक ही बीज पत्र है ना, तो एक बीज पत्री में एक ही बीज पत्र है, और यह जो बीज पत्र है इसको कहते हैं एस्कुटेलम। क्या कहते हैं इसको, एस्कुटेलम। ध्यान देना कि एस्कुटेलम किसमें पाया जाता है, तो एक बीज पत्री भ्रूण में पाया जाता है। एस्कुटेलम किसे कहते हैं, तो जो एक बीज पत्री भ्रूण में जो एक बीज पत्र होता है उसी को एस्कुटेलम कहते हैं। और ये हो गया भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष का इसको बोलते हैं इपी ब्लास्ट। ठीक है, इपी ब्लास्ट ये क्या है, एक्चुअली देखो भ्रूणीय अक्ष से दो बीज पत्र निकलना चाहता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक बीज पत्र है विकसित हो पाता है और एक छोटा ही रह जाता है, मतलब एक ही टेक्निकली एक ही प्रेजेंट रहता है, ये छोटा रह जाता है बाद में खत्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं ब्लास्ट। इसको नहीं लिखेंगे तो कोई, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एस्कुटेल मतलब ये बीज पत्र हो गया, बीज पत्र के स्तर से ऊपर का जो भ्रूणीय अक्ष है इसको कहते हैं एपिकाटिल, सेम जो वहां पढ़े थे। और जो नीचे का हिस्सा है बीज पत्र के स्तर से जो नीचे का हिस्सा है इसको कहते हैं हाइपोकाटिल। ठीक है, एपिकाटिल और हाइपोकाटिल। और इसमें हम देखें तो एपिकाटिल जो है यहाँ पर जहाँ खत्म होता है ये जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं परांकुर, मतलब फुलुमुर, जैसे वहां पर सेम सेम टू सेम, और यहाँ पर जो है इसको क्या कहते हैं मूलांकुर या फिर रेडिकल। परांकुर के ऊपर भी चोल होता है मतलब कवर होता है, और यहाँ पर मूलांकुर के ऊपर भी कवर होता है। परांकुर के ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं परांकुर चोल, इसको बोलते हैं परांकुर चोल, और मूलांकुर के ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं मूलांकुर चोल, जो कवर है इसको बोलते हैं मूलांकुर चोल। परांकुर चोल को ही कोलियोप्टाइल कहते हैं, परांकुर चोल को क्या कहते हैं कोलियोप्टाइल, और मूलांकुर चोल को कोलियोराइजा कहते हैं, मूलांकुर चोल को कोलियोराइजा कहते हैं, बस यही बात है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, देखो एस्कुटेलम बीज पत्र को ही एस्कुटेलम कहा जाता है। ये हो गया देखो भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष में ऊपर वाला एपिकाटिल, नीचे वाला हाइपोकाटिल, जहाँ खत्म हो रहा है परांकुर, जहाँ खत्म हो रहा है मूलांकुर, परांकुर के ऊपर जो चोल है कोलियोपटाइल, बस याद रखना है, ऐसे याद रखना ना, पी से परांकुर, पी से पटाइल, तो कोलियोपटाइल परांकुर में, आर से रेडिकल रूट है ना,
ना, और आर से कोलियो राइजा, तो कोलियो दोनों में सेम है, इस पटाइल इसमें राइजा है, तो कोलियो पटाइल जो है प्रांगुर के ऊपर और कोलियो राइजा जो है मूलांकुर के ऊपर यहीं पड़े हैं। इसके बाद शुरू में उसके बाद बताए हैं एल्युमिनस बीज, गैर एल्युमिनस बीज, फिर बताए हैं सत्य फल, आभासी फल, फिर बताए हैं परिभ्रूण कोष, ठीक है, फिर बताए हैं अनिषेक फलन, असंग जनन और बहुभूता। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल ही शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे मानव जनन या फिर जेनेटिक्स, देखा जाएगा कल के चैप्टर मतलब शुरू किया जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, फिर जाकर एनसीईआरटी पढ़ना, जो लोग देख रहा है जाकर एक बार, अभी जैसे ही वीडियो बंद होगा तो काम नहीं हो तो काम हो तो पर कर लेना, ये काम अगर नहीं हो तो जाकर अभी एनसीईआरटी वाले सेट नंबर जो 2 है शुरू से लेकर लास्ट तक अगर पढ़ चुके हो फिर भी एक बार पढ़ना, ठीक है, अगर प्रॉब्लम रह जाए तो बताना, ठीक है। चलो वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बता चुके हैं शुरू में, शुरू में से बताएं तो देखना हो फिर से जाकर देख लेना इसको लास्ट में। हाँ ठीक है, जेनेटिक्स स्टार्ट करना, ठीक है, वीडियो को बंद करते हैं।